दुरूद की डाली सलामों के तोहफे, फरिश्ते लबों पर सजाए हुए हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। दोज़क के आगे जलाएगी उसको भला कैसे, दोज़क जलाएगी कैसे भला उसे को दोज़क, वो दामन में जिसको छिपाए हुए है, जलाएगी कैसे भला उसको दोज़क, वो दामन जिसको छिपाए हुए। मैं अहली मिंबर की दुआ लेता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास नमाज करें, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अहली मिंबर की दुआ लेता हूँ, शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। कि डराने की बातें हैं, सताने की बातें, उसे क्या भगाए कभारत से कोई, उसे क्या भगाए कभारत से कोई, जो ख्वाजा पिया के बसाए हुए ने, उसे क्या भगाए कभारत से कोई, जो ख्वाजा पिया के बसाए हुए। और बुलंद आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, कि मिला जब से ताजू शरी यहां कदा में, मिला जब से ताजू शरी उन्हें के बदौलत शहबाज नूरे, उन्हें के बदौलत शहबाज नूरे, जो हर सू चमकता नजर आ रहा है, उन्हें के बदौलत शहबाज नूरे, जो हर सू चमकता नजर आ रहा है। और एक मतलब शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ, करबला वालों के ताल्लुक से पढ़ता हूँ, दोनों हाथों को उठाए कहें या हुसैन। मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर ला रहे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर अल्लाह ने क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, फुर्सत जो मिले तो सूरे रहमान पढ़ाकर और मिल जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सैयद-ए-कौनैन के फरमान पढ़ाकर।
ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। अगर हमारी तालीम अच्छी होगी तो हम अच्छी जगह को चुनकर जलसे में अच्छे तरीके से बैठेंगे। तालीमी बेदारी का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर एक इनकलाब आए, वो भी तालीम के तौर पर आए कि हमारे अंदर तालीम कितना परसेंट है। आज इस स्टेज से तालीमी परसेंटेज और मुसलमानों का तालीमी मेयार क्या है, इस पर उलमा खिताब करेंगे और हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद आमद भी इसी तवसुल से हो रही है, इसी उनवान से हो रही है। तो मैं बराए करम कमेटी वालों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं बार बार कहूंगा तो हो सकता है जो चैनल वाले मुझे बदनाम कर दे कि ये नाजिम जो है पब्लिक को बहुत परेशान करता है, बार बार उठने और बैठने के लिए कहता है कि इधर बैठो उधर बैठो। तो ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो आपके सामईन आए हैं जलसे गांव में, आपने जहां कारपेट बिछाया वहां उनको बिठाएं, ना कि अगर जो है दीगर सामईन को गाड़ियों पे बैठना पसंद है या ईंटों और पत्थरों पे बैठना पसंद है, तो इंशाल्लाह रहमान अगली कॉन्फ्रेंस में हम भट्टे से ईंट अलग से मंगवा लेंगे, आप हजरात उसी पे बैठेंगे। तैयार है कि नहीं तैयार? माशाल्लाह। एक शेर सुने और एक अच्छे नाथ खान से आपकी मुलाकात कराऊंगा कि जनाब इरफान सुल्तानपुरी और अबू साद सुल्तानपुरी, जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो, जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो, बैठते उठते नबी का तज़किरा करते रहो, बैठते उठते नबी का तज़किरा करते रहो, मुस्तफा को छोड़कर, मुस्तफा को छोड़कर हरगिज़ खुदा मिलता नहीं, रात दिन चाहे काबे में रत जगा करते रहो, छोड़कर हरगिज़ खुदा मिलता नहीं, मुस्तफा को छोड़कर हरगिज़ खुदा मिलता नहीं, रात दिन काबे में चाहे रत जगा करते रहो। तो जिंदा हो तो जिंदगी का मकसद समझो और अपनी जिंदगी में तालीम का जो मेयार है उस पर हम और आप खरे उतरे। मैं एक अच्छे शेर के साथ जो है अबू साद सुल्तानपुरी और इरफान सुल्तानपुरी को आपके हवाले कर रहा हूँ और माइक उनके हवाले कर रहा हूँ। तो हजरात, कितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, अपने हाथों को उठाकर सबूत दें और कहें लब्बैक या हुसैन। माशाल्लाह, इतने लोग मौजूद हैं और जो लोग जो है अपने आप को जलसे में मौजूद समझते हैं तो अपने नबी को भी हाजिर और नाजिर समझे और नबी पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد بن بار سلم صلوا عليه صلاه و سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। کربلا شریف के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। आज मुहर्रम हराम शरीफ का एकदम आखिरी दिन है कि 30 की तारीख लग चुकी है। करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक है, करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक है, बिनते फातिमा तेरे मार्के कहाँ तक है, करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर उठाने वालों के, सर कटाने वालों के हौसले कहाँ तक है, और कल हुसैन की फौजें कुल की कुल 72 थी, कल हुसैन की फौजें कुल की कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए कहाँ तक है, अब हुसैन की फौजें देखिए कहाँ तक है। खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दो, तमाम गुफ्तगू का प्यासा है। आइए इस लहजे का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस शहरे सुल्तानपुर सरजमीने इकराही शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो 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 अपनी माथों की निगाहों से देखो मेरे पाक पर मौजूद खतीब अहले सुन्नत सूफी नुसरतुल कादिर साहब की बला और सना खान मुस्तफा हाजी असरार साहब की बला और बज्म की निजामत करते हुए बड़े भाई मोहतरम जनाब कारी बरान बरकाते साहब की बला और मौलाना इजहार साहब की बला और मौलाना मुद्दे से मैं अपनी जबान से किसी का नाम लूँ, किसी को छोड़ दो, जो जर्रा जैसे कहें।